वेलकम माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ गाय की कलेजी, ठीक है, और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। लास्ट तक देखें हमारी वीडियो। मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। ये मैंने 3 अदद ऑनियन ली है, ठीक है, मीडियम साइज़ की, और इसको मैंने चॉप कर लिया है। और ये मैंने 4 अदद टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, और इसको मैंने स्लाइस की शेप में काट लिया है। और ये जो मैंने ऑयल लिया है ये मैंने 1.5 कप लिया है। और अब मैं इसके अंदर ये ऑनियन डाल देती हूँ। इसको लाइट गोल्डन करेंगे, ज़्यादा गोल्डन हमें नहीं करना। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, ये है 2 टेबल स्पून, ठीक है जी। आप लोग देख सकते हैं ये लाइट गोल्डन हो चुकी है। प्याज हमें ज़्यादा गोल्डन नहीं करनी, यानी कि ब्लैक फॉर्म में हमें इस प्याज को नहीं लाना, सिर्फ हमें लाइट गोल्डन करनी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह हमने पेस्ट डाल दिया है। और अब हम इसको खूब चम्मच की मदद से भुनेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब ये जो कलेजी है 1.5 पाव अब हम इसमें डाल देंगे और अदरक लहसुन में खूब अच्छे से इसको भुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, अब हम इसको खूब अच्छे से भुनेंगे, इसकी खूब भुनाई करेंगे, जो इसका बादीपन है वो भी ख़त्म करना है। और फिर पहली बात ये है कि इसकी जो स्मेल है वो भी हमें ख़त्म करनी है। अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट डाला है उसकी मदद से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये छोटी छोटी सी रेसिपी है, मैंने पहले भी आपको बताया था वीडियो में कि छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कि मैं आपको देती रहूँगी और आप इसको फॉलो करते रहिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अंदर अभी सॉल्ट नहीं डाला है, हम एंड में डालेंगे। अगर हम शुरू में इसके अंदर सॉल्ट डाल देंगे तो ये जो कलेजी है बहुत सख्त हो जाएगी, ठीक है। ये भी आपको मैंने एक छोटी सी टिप दी है। ये 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1.5 स्पून मैं इसके अंदर डालूंगी रेड चिली पाउडर, ठीक है। और 1/2 टेबल स्पून डालूंगी मैं इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला। मसाले ऐड कर दिया, मैं इसको खूब अच्छे से भुनूंगी। टमाटर जो है खूब अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 1.5 गिलास पानी डालूंगी और इसको कवर अप कर दूंगी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये देखिए मेरे पास ये 3 अदद ये मोटी वाली ग्रीन चिली है, ठीक है जी। और ये स्मॉल साइज़ की ये मेरे पास 5 अदद हैं, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर डाल दी है और हमारी कलेजी जो है ये भी गल चुकी है। हम लोगों से कहा था कि शुरू में मैं सॉल्ट नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कलेजी जो है वो सख्त हो जाती है। और अब हम ये कलेजी जो है ये बन चुकी है और अब मैं ये सॉल्ट डाल रही हूँ, ठीक है जी। ये मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, आप लोग अपने यानी कि जो टेस्ट के मुताबिक आप लोग डाल सकते हैं। और ये देखें तेल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसको करने वाली हूँ डिश आउट। ये रेसिपी आप लोग को पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। मैंने डिश आउट कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी ये कलेजी बन के रेडी हो चुकी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। अपनी किरण को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।